हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज हमारी छुट्टी का आखिरी दिन है। अंशु ऑफिस जा चुकी है, अभी मैं उसको छोड़ के आया था थोड़ी देर पहले, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। पूजा तो अंशु ने कर ली थी, मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ आज के कान्हा जी के। हमारे ये कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल, अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो दाल चावल बने हैं, दाल चावल खा लिए जाए और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वैसे भी आज आखिरी छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शाम को आज कहीं बाहर चलते हैं, डिनर विनर करके आते हैं। देखते हैं, अंशु से पूछता हूँ उसका क्या प्रोग्राम है, किस टाइम तक फ्री होगी, फिर उसके बाद घर से निकलूँगा उसी हिसाब से। A few hours later. पता ही नहीं चला एक्चुअली कि कब शाम हो गई और 6 बज गए हैं। 6 बजे ही इतना अंधेरा हो गया, और घर पे वैसे ना अकेले रहने में टाइम का पता ही नहीं चलता, ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है। मैं ऐसे ही सो गया, फिर उठा, फिर खा लिया, फिर सो गया, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया, और सारा टाइम ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर अंशु का फोन आया, फिर मैंने शाम का दीपक जलाया, और फिर अभी अंशु को लेने जा रहा हूँ। तो अभी पहले तो उसको लेने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं हम अगर कहीं बाहर गए तो। तो हम लोग आ गए हैं सेक्टर 104 में, अंशु को लिया एडवेंट से और फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं। और हम लोग जा रहे हैं आज एक कैफ़े में जिसका नाम है चेल्वीज कैफ़े, और इसकी रेटिंग्स चेक की थी मैंने तो अच्छी थी, और अभी नया ही खुला है, तो आज हम लोग वहाँ जाके उसकी कॉफ़ी और उसका फूड ट्राई करेंगे कि कैसा है। तो ये है चेल्वीज कॉफ़ी, आइए चलते हैं अंदर। कैफे शेल्वीज में और ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। दिस सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, डिसेंट प्लेस, काफ़ी बढ़िया है। मैंने ऑर्डर की है कैफे लाटे, और अंशु ने ऑर्डर किया है फ्रैपे, और साथ ही साथ हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। हाँ वही तो है फ्रैपे। हमारी कॉफ़ीज आ चुके हैं, दिस इज़ द कैफे लाटे और अंशु की फ्रैपे। कैसी है? अच्छी, नाइस। और हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट अस ट्राई कि कैसा है। कैसा है भाई पिज़्ज़ा? तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारे में ब्रिंजल पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा रहने दो। तो हमारी कॉफ़ी और पिज़्ज़ा हो गया है, और कॉफ़ी वॉज गुड, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी थी, अंशु की फ्रैपे भी बहुत अच्छी थी, और मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, बट पिज़्ज़ा मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है पिज़्ज़ा के बारे में? क्रश थोड़ा थिक था, मतलब उसे थिन किया जा सकता था। हाँ वही ना। तो एम्बियंस वगैरह तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और आपको 1 Gbps का वाईफाई फ्री मिलेगा अगर आप वर्क फ्रॉम चेल्वीज करते हैं तो। इट इज़ गुड प्लेस टू कम एंड हैव कॉफ़ी। बेबी मैंने बिल मंगा लिया, बिल दे देना। अंशु देगी। अब हम जा रहे हैं घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं सोसाइटी, और अभी हम सब्जी लेने के लिए रुके हैं। सब्जी ले लो आज। हम क्या लेना है? तो हमने सब्जी तो ले ली है, और अंशु जो है गाय के लिए सब्जियां, एक बार तो डाल भी दिया, देखना मार ना दे, ये यहीं रख दो, अरे रख दो। डरती तो इतना, फिर क्यों भागी वहां से? मेरे पीछे भागी। पीछे ना भागी, वो ऐसे ही भागे हो। ऐसे नहीं भागती, कुछ नहीं कहती हो, वो खाने के लिए आ रही थी। कैमरे को मेरे मुंह पे घुसा दो,
लो आ रहा हूँ। थोड़ा वॉक कर लिया जाए, ये जो पिज्जा खा के आए हैं उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, एक बार मैं ऊपर जाके आ रहा हूँ, जब तक तुम वॉक कर लो। हाँ तब तक तुम वॉक कर लो थोड़ी देर, ठीक है। तो मैं आया था कान्हा जी को सुलाने के लिए और कान्हा जी को सुला दिया है। अंशु नीचे ही है अभी, तो मैं भी नीचे ही जा रहा हूँ। तो कल से तो ऑफिस जाना है और 10 दिन हो गए हैं छुट्टी में। कल से वापस डेली जो पुराना रूटीन था वही शुरू हो जाएगा। इतने दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस जाने का मन सा नहीं करता ना। तो खैर अभी तो नीचे आया हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है अभी तो, और अंशु भी यहीं नीचे कहीं वॉक कर रही है, तो उसको ढूंढता हूँ कहाँ पे है। फ़ोन आया था उसका, पूछ रही थी कहाँ पे, मैंने कहा आ रहा हूँ बस। हम वॉक करके ऊपर जा रहे हैं और अभी याद आया कि गाड़ी तो बाहर ही खड़ी रह गई सोसाइटी के, तो मैं अभी जाऊँगा वापस गाड़ी लेने और अंशु जाएगी घर। तुम क्या करोगी, जाके पूजा करोगी अभी तुम? सही बताओ। चलो ठीक है, तो मैं इतने गाड़ी ले आऊँगा, ठीक है। तुम्हारे टिफिन और पर्स भी लाना है उसमें से। ओके, गाड़ी खड़ी कर दी है अंदर और मैं बताता हूँ आपको, आज मैंने 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी। मतलब 2 में से एक तो जो है वो हमारी कंट्री से रिलेटेड है और काफ़ी हमारे लिए डिफेंस के लिए बहुत अच्छी है, कि इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल का आज एक एडवांस्ड एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो टेस्ट किया, जिसकी रेंज अराउंड 400 या 450 किलोमीटर थी, और सुखोई जो जेट है उससे उसको फायर कर सकते हैं। तो हमारे डिफेंस के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे रिलेशन है, तो हमारे पास मतलब होना चाहिए कि उनके मन में एक डर रहे, क्योंकि सारा डर का ही खेल है। और दूसरी एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज पढ़ी, वो ये है कि इसराइल में एक कंपनी है वाटरजेन करके, उसने एक ऐसी टेक्निक बनाई है कि वो एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये इन्होंने बेसिकली बनाया था आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए, कि जहाँ पे वाटर स्केरिटी है तो वहाँ पे मतलब ह्यूमिडिटी को यूज़ करके उस मशीन के द्वारा, एक जनरेटर है एक्चुअली, उससे उस पानी बनाया जा सके। और मतलब 5 से 6 हज़ार लीटर एक दिन में पानी बना देती है वो मशीन, वो जनरेटर इतना पावरफुल है। तो अभी कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, वो भी उसका इस्तेमाल कर रही हैं जहाँ पर पानी की कमी है या कुछ ऐसा है। तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी, तो मैंने सोचा आप लोग तक भी पहुंचाई जाए। वाटरजेन उस कंपनी का नाम है, इसराइल की कंपनी है। अब सोने का टाइम हो गया है और आजकल तो ऐसा चल रहा है कि अंशु तो मैक्सिमम 9:30 तक सो जाती है और फिर मॉर्निंग में उठती है और योगा वोगा करना उसने स्टार्ट किया है। मैं भी कल अब थोड़ा ऑफिस जाने की तैयारी कर लेता हूँ, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है और एक दो काम और है। लैपटॉप वैपटॉप सब घर ही लेके आया था, तो उसको भी पैक कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह फिर जाऊँगा तो लेके जाऊँगा। तो खैर आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।